हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो लोग 11th क्लास में हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि 11th क्लास में पास मार्क कितना है, साथ ही एडिशनल सब्जेक्ट की परीक्षा होगी या नहीं, और आपको यह भी बताएंगे कि हर विषय में पास के लिए कितने नंबर लाना होगा। पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम होगा कि 11th क्लास की परीक्षा जो है 5 मार्च से शुरू होगी। बोर्ड परीक्षा को लेकर परीक्षा टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाइए वीडियो को देखिए और पता कीजिए कि आपका किस सब्जेक्ट की परीक्षा किस दिन होगी। और आपको बता दें कि परीक्षा 3 पेपर में होगी, किसी भी एडिशनल सब्जेक्ट की परीक्षा नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, किसी भी एडिशनल सब्जेक्ट की परीक्षा जो है वो नहीं होगी। 11th क्लास की परीक्षा में प्रत्येक विषय में 40-40 प्रश्न होंगे, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंकों का होगा और सब्जेक्ट में फुल मार्क, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में फुल मार्क 40 होगा, जिसमें जो है मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन यानी कि MCQ टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि परीक्षा मार्कशीट पर होगी। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा जो है आप लोगों की मार्कशीट पर ही होगी। प्रत्येक विषय में 10 अंक स्कूल स्तर से मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक विषय में 10 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन स्कूल स्तर से किया जाएगा। आपके पास 5 सब्जेक्ट है तो आपको 50 अंक स्कूल स्तर से दिया जाएगा, साथ ही बाकी 200 अंकों की लिखित परीक्षा होगी और प्रत्येक विषय में 1 घंटे का समय दिया जाएगा। पहले प्रत्येक विषय में 3 घंटे का समय दिया जाता था, लेकिन इस बार 1 घंटे का ही समय मिलेगा। 200 अंकों की लिखित परीक्षा होगी और 50 अंक स्कूल स्तर से मिलेगा, यानी कि कुल 250 अंक होगा। और आपको बता दें कि 11th क्लास में पास मार्क 100 नंबर से अधिक होगा। आपको प्रमोटेड होने के लिए 100 नंबर से अधिक अंक लाना होगा, तभी आपको प्रमोटेड किया जाएगा और आप नेक्स्ट क्लास में नामांकन करा पाएंगे। जैसे कि आपको बता दें कि प्रत्येक विषय में फुल मार्क 40 रहेगा, जिसमें पास होने के लिए प्रत्येक विषय में 15 नंबर से अधिक लाना होगा, तभी आपको प्रमोटेड किया जाएगा। प्रत्येक विषय में आपको 15 नंबर से अधिक नंबर लाना होगा, तभी आप नेक्स्ट क्लास में नामांकन करा पाएंगे, आपको प्रमोटेड किया जाएगा। आशा है कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक जय हिंद, जय भारत।